स्वागत है दोस्तों आप सबका इस चैनल पर एंड आई होप यू गाइस ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ग्रीस माइथोलॉजी की सभी वीडियोस को एक लीनियर वे में डाला है जिससे आपको ये वीडियो एक मूवी की तरह लगेगी और आपकी ग्रीस माइथोलॉजी की नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। मैं उन वीडियोज को यहाँ नहीं डालूंगा जिनमें कॉपीराइट क्लेम आया है क्योंकि एक कॉपीराइट क्लेम वीडियो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मुझे उम्मीद होगी आप ये अंडरस्टैंड करोगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इस माइथोलॉजी के अनुसार सृष्टि की रचना कुछ इस तरह हुई। इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था सिवाय काले अंधेरे के। फिर इसी काले अंधेरे में से गाया, टॉटरस और अबियस का जन्म हुआ। बिना किसी मर्द की सहायता के गाया ने यूरेनस और फांटस को जन्म दिया। बाद में गाया ने यूरेनस के साथ मिलकर टाइटन प्रजाति को जन्म दिया। इन्हीं टाइटन प्रजाति में बाद में हेकटोंक्रिस और साइक्लप्स का जन्म हुआ। हेकटोंक्रिस और साइक्लस दिखने में बहुत ही ज्यादा भयंकर थे। इसी कारण यूरेनस ने उन्हें अंडरवर्ल्ड की कैद में बंदी बना लिया। साइक्लप्स एक आंख वाला जानवर और हेकटोंक्रिस 100 हाथों वाला एक राक्षस था। गाया के सभी बच्चों में क्रोनोस सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर था। इसीलिए गाया ने और क्रोनोस ने मिलकर अपने पिता को हरा कर वह राजगद्दी पे कब्जा करने का फैसला किया। गाया चाहती थी कि क्रोनोस अपने पिता को हरा कर वे अपने भाइयों को आज़ाद करवा दे। क्रोनोस यूरेनस पर हमला सिर्फ अपनी माँ गाया के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की इच्छा के लिए करना चाहता था क्योंकि क्रोनोस जानता था कि जो बाप अपने बड़े बच्चों को कैद बना सकता है वो उसे भी कैदी बना सकता है। फिर एक दिन मौका पाते ही क्रोनोस ने अपने पिता पर एक जान घातक हमला कर दिया। इस हमले में उसका पिता बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके बहते खून में से इरोनस और मिलिया का जन्म हुआ। अपने पिता को हराने के बाद क्रोनोस अब इस संसार का राजा बन चुका था। यूनिवर्स का राजा बनते ही क्रोनोस ने अपना मन बदल लिया और अपने भाइयों को छुड़ाने की बजाय उसने अपने 6 और भाइयों को गुलाम बना लिया। ग्रीस माइथोलॉजी में क्रोनोस को बहुत ही ज्यादा क्रूर और बेरहम माना जाता है, पर फिर भी उसके राजपाट को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि उसके राजपाट में ही पहले इंसानों का जन्म हुआ। क्रोनोस के राजकाल में बनाए गए इंसानों की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती थी और इनके शरीर में ज़्यादा लंबी उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि ये इंसान मलीना द्वारा बनाए गए थे। फिर बाद में क्रोनोस ने अपनी बड़ी बहन रिहा से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसे एक ऐसी भविष्यवाणी का पता चला जिसके अनुसार क्रोनोस की एक संतान उसे हरा वे उसकी राजगद्दी हासिल कर लेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने अपने पिता के साथ किया है। ये भविष्यवाणी सुनकर क्रोनोस काफी परेशान हो गया और वो सोचने लगा कि आखिर वो कैसे इस भविष्यवाणी को सच होने से रोके। तो उसने फैसला किया कि वो रिया की होने वाली हर संतान को वह कच्चा ही निगल जाएगा और उसने ऐसा ही किया। अपने पति द्वारा इस विहार को देखकर रिया बहुत परेशान हो गई और इसी तरह क्रोनोस अपनी आने वाली हर संतान को कच्चा ही निगलने लग पड़ा। रिया जो कि बच्चों की माँ थी बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी रहने लग पड़ी और उसका एक और बच्चा पैदा होने वाला था। रिया अपनी इस आखिरी संतान को वही मंजर के साथ गुजरता नहीं देख सकती थी जो बाकियों के साथ हुआ। इसीलिए रिया ने एक प्लान बनाया। अब रिहा की आखिरी संतान ज्यूस पैदा हो चुकी थी और रिहा उसे बचाना चाहती थी हर हालत में। तो रिहा ने एक पत्थर को कपड़े के साथ लपेट दिया और क्रोनोस को दे दिया। क्रोनोस ने उसे अपनी आखिरी संतान सोच उसे भी निगल गया। अब क्रोनोस को लगा कि सारा खतरा टल चुका है, पर ज्यूस अभी जिंदा था। रिहा ज्यूस को एक ऐसी जगह ले गई जहाँ क्रोनोस उसे कभी न ढूंढ। ज्यूस उसी जगह धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो अपने पिता से सख्त नफरत करने लग पड़ा। ज्यूस अब सुरक्षित था और दूसरी ओर क्रोनोस भी काफी लापरवाह रहने लगा क्योंकि अब उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे ज्यूस बड़ा हुआ उसे अपने पास्ट और अपने पिता द्वारा किए गए अत्याचारों का पता चलता गया, जिस कारण वह उसके मन में टाइटन के खिलाफ काफी नफरत पैदा हो गई। ज्यूस जब बड़ा हुआ तो उसकी मुलाकात मेटिस से हुई। ज्यूस ने बाद में मेटिस से शादी कर ली। ज्यूस जानता था कि उसकी किस्मत में क्रोनोस को हरा वह सृष्टि का राजा बनना लिखा था, पर वो ये भी जानता था कि वो अकेले क्रोनोस को कभी नहीं हरा सकता। बाद में ज्यूस को मेटिस ने बताया कि उसके सारे के सारे भाई अभी भी क्रोनोस के पेट में जिंदा हैं और अगर वो किसी तरह उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो गया तो शायद वो टाइटन के खिलाफ जंग को जीत जाए। इसी कारण ज्यूस ने मेटिस से एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जहर बनाया। फिर ज्यूस एक नौकर के भेष में क्रोनोस के पास चला गया। क्रोनोस ने बिना किसी शक के ज्यूस द्वारा दी गई शराब को पी लिया। इस शराब में ज्यूस ने मेटिस द्वारा दी गई जहर को मिलाया था।
जहर पीने के थोड़े समय बाद ही क्रोनोस की हालत खराब होती गई और वो उल्टियां करनी शुरू कर दी। सबसे पहले क्रोनोस ने एक काला पत्थर अपनी उल्टी के साथ बाहर निकाला और फिर धीरे धीरे पोसाइडन, किंग हेडिस, हेरा, हेस्टिस को बाहर निकालता गया। धीरे धीरे ज्यूस के सारे भाई बहन आज़ाद हो गए। क्रोनोस जहर के असर के कारण काफ़ी समय तक बेहोश रहा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ज्यूस ने अपने सारे भाई बहनों को वहां से ले गया। हालांकि ज्यूस अपने सारे भाई बहनों को आज़ाद कर चुका था, पर अभी भी वो टाइटन प्रजाति को नहीं हरा सकता था, क्योंकि टाइटन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्हें हराने के लिए ज्यूस को बहुत बड़ी शक्ति चाहिए थी। इस परेशानी का हल करने के लिए ज्यूस गाया की ओर गया। गाया ने ज्यूस को हेकाटोंक्रिस और साइक्लप्स को आज़ाद करने की सलाह दी, और ये सलाह काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ज्यूस जानता था कि भले ही वो राक्षस हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं और वे टाइटन के खिलाफ जंग में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। जहर के असर के कारण क्रोनोस अभी भी बेहोश था, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ज्यूस जल्दी से अंडरवर्ल्ड में गया और वहाँ उसने एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के साथ जंग लड़ी। उसने बड़ी ही बहादुरी के साथ उस बड़े से ड्रैगन को मार कराया और फिर उसने अपने अंकल्स हेकाटोंक्रिस और साइक्लप्स को आज़ाद करवा दिया। हजारों साल की गुलामी के बाद आखिरकार हेकाटोंक्रिस और साइक्लप्स आज़ाद हो गए और वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हेकाटोंक्रिस आज़ाद होने के कारण ज्यूस को शुक्रिया अदा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ज्यूस और देवताओं के लिए कई तरह के कई खतरनाक हथियार बनाए। हेकाटोंक्रिस ने हेडिस के लिए एक ऐसा मुकुट बनाया जिससे वो अदृश्य हो सकता था। पोसाइडन के लिए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक त्रिशूल बनाया जो बहुत ही ज़्यादा घातक था, और ज्यूस के लिए उन्होंने बिजली का हथियार बनाया। ये हथियार देवताओं और टाइटन प्रजाति के बीच हुई 10 साल की जंग में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुए। देवताओं और टाइटन प्रजाति के बीच हुई इस 10 साल की जंग में आखिरकार देवताओं की जीत हो गई और फिर उन्होंने फिर से सृष्टि में शांति कायम कर ली। जंग जीतने के बाद ज्यूस ने अपना सारा राजपाट अपने भाइयों में बराबर बांटा। उसने खुद के लिए आसमान, अपने भाई पोसाइडन के लिए उसने समुद्र और अपने भाई हेडिस के लिए उसने अंडरवर्ल्ड चुना। उसने हेकाटोंक्रिस और साइक्लप्स को भी पूरा सम्मान दिया और उन्हें भी एक अपनी अलग जगह दी, और दूसरी ओर टाइटन्स को ज्यूस ने अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में कैद कर लिया, और एटलस को भी एक बहुत ही भयंकर सजा दी। उसे सृष्टि का वजन उठाने की सजा दी गई। मथीसियस। टाइटन और गॉड्स की जंग खत्म होने के बाद देवताओं ने सृष्टि की रचना शुरू की। ज्यूस ने धरती पर जीवन की स्थापना की जिम्मेदारी प्रोमेथियस और अपिथीसियस को दी। प्रोमेथियस और अपिथीसियस दोनों ब्रदर्स थे और वो टाइटन प्रजाति के साथ बिलोंग करते थे, पर देवताओं और टाइटन्स की जंग में प्रोमेथियस और अपिथीसियस देवताओं का साथ देते हैं। इसी कारण ज्यूस इन दोनों टाइटन्स को माउंट ओलंपस में रहने की इजाज़त दे देता है। हालांकि बाकी सभी टाइटन्स को ज्यूस ने धरती की गहराइयों में कैद कर लिया था। ज्यूस जानता था कि प्रोमेथियस और अपिथीसियस एक बहुत ही अच्छे कारीगर हैं। इसी कारण ज्यूस इन दोनों भाइयों को पृथ्वी में जीव जंतु बनाने का हुक्म देता है। अपिथीसियस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर को बनाता है, और बड़ी ही समझदारी के साथ अपिथीसियस हर जानवर को एक अलग ही खूबी देता है, ताकि वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खतरों का अकेले ही सामना कर सके। पर अपिथीसियस इन सभी जानवरों का दिमाग बहुत कम रखता है। दूसरी ओर प्रोमेथियस अपना सारा वक्त इंसानों को बनाने में लगा देता है। प्रोमेथियस इंसानों को बहुत ही ज़्यादा समझदार और तेज दिमाग वाला बनाता है। प्रोमेथियस कोशिश करता है कि वो इंसानों को बिल्कुल देवताओं जैसा बनाए। जब ज्यूस इन दोनों भाइयों का काम देखने धरती पर फिर वापस आता है, तो वह अपिथीसियस के काम को देख कर बहुत खुश होता है, और प्रोमेथियस के काम को देख वह सोच में पड़ जाता है, क्योंकि प्रोमेथियस ने इंसानों को बाकी जानवरों से बहुत ज़्यादा समझदार बनाया था। इसी वजह से ज्यूस प्रोमेथियस को कहता है कि तुम्हारे बनाए इंसान कभी भी माउंट ओलंपस पर नहीं आ सकते, और इंसानों को हर रोज देवताओं की सेवा और पूजा करनी होगी। भले ही इंसान थोड़े ज़्यादा समझदार थे, पर वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, और उन्हें बाकी जानवरों से डर कर धरती पर रहना पड़ता था। यह बात प्रोमेथियस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि प्रोमेथियस ने इंसानों को बनाया था, उसका लगाव इंसानों से बहुत ज़्यादा था। इसीलिए प्रोमेथियस ने देवी एथीना से इंसानों के लिए आग की शक्ति मांगी, और फिर उसने आग को इंसानों को दे दिया। उसने इंसानों को आग का इस्तेमाल करके हथियार बनाना और खाना बनाना सिखाया। अब इंसानों के पास आग थी। आग की सहायता से अब इंसान रात को देख सकते, अपने आप को खतरनाक जानवरों से बचा सकते और अपने लिए खाना पका सकते थे। ज्यूस ने प्रोमेथियस को कहा कि अब इंसानों के लिए देवताओं की सेवा करने का समय आ गया है, और अब उन्हें इन देवताओं के लिए एक बछड़े की कुर्बानी देनी होगी। प्रोमेथियस चाहता था कि बछड़े की कुर्बानी देने के बाद इंसानों को ज़्यादा फायदा हो।
इसीलिए प्रोमेथियस ने ज्यूस के साथ एक चालाकी करने का सोचा। प्रोमेथियस ने बछड़े की कुर्बानी देने के बाद बछड़े के मांस को दो हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि वह जानता था कि ज्यूस एक बहुत ही ज़्यादा मतलबी देवता है। इसीलिए उसने पहले हिस्से को उसने हड्डियों से भर दिया और उसके ऊपर उसने बछड़े की खाल रख दी, जिससे वह बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा लगने लगा। और दूसरे हिस्से में उसने ज़्यादा मांस रखा, पर उसके ऊपर उसने हड्डियाँ रख दी। ये हिस्सा पहले हिस्से के मुकाबले काफ़ी छोटा लग रहा था। जब वो ये दोनों हिस्से ज्यूस के पास लेकर गया तो ज्यूस ने ज़्यादा बड़ा वाला हिस्सा चुना और दूसरे हिस्से को प्रोमेथियस ने इंसानों को दे दिया। जल्दी ही ज्यूस को इस चालाकी का पता चल गया और ज्यूस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। इंसानों की इस गलती के कारण ज्यूस इंसानों को सजा देता है और वह धरती पर जाकर इंसानों को दी गई आग को वापस ले लेता है। अब बिना आग के इंसानों की हालत फिर से ख़राब हो जाती है। इंसान अब फिर से छुप कर रहने लगते हैं और बाकी जानवरों से उन्हें डर कर रहना पड़ता है। इंसानों की ये हालत प्रोमेथियस से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो माउंट ओलंपस ज्यूस के घर में जाता है और वहाँ से थोड़ी सी आग चुरा लेता है। फिर वो आग को इंसानों को दोबारा वापस कर देता है। आग के दोबारा वापस आने से अब इंसानों का विकास बहुत ही जल्दी होने लगता है। आग का इस्तेमाल कर अब इंसान बाकी जानवरों को अपना गुलाम बना लेते हैं और उनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर देते हैं। आग के इस्तेमाल से अब इंसान और भी भयानक हथियार बनाना शुरू कर देते हैं और उनमें आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं। ज्यूस जब वापस धरती में आकर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि ये काम प्रोमेथियस के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ज्यूस प्रोमेथियस को बहुत बड़ी सजा देना चाहता था, इसीलिए उसने प्रोमेथियस को बहुत दूर एक पहाड़ी में लोहे की जंजीरों के साथ बांध दी। उस पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा बाज आता है जो हर रोज प्रोमेथियस के पेट और उसके लिवर को खाने लगता है। क्योंकि प्रोमेथियस एक टाइटन था, वो कभी भी नहीं मर सकता था और उसका पेट हर बार रीजेनरेट हो जाता। ऐसा 30,000 सालों तक चलता रहा। इस समय के बीच ज्यूस एक बार फिर प्रोमेथियस के पास आता है और वो उसे कहता है कि अगर वो इंसानों से वो आग दोबारा वापस ले ले तो वो उसकी सजा को माफ़ कर देगा। प्रोमेथियस अपनी क्रिएशन को फिर से पहले जैसी हालत में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने ज्यूस को मना कर दिया और उसकी सजा चलती रही। और कई हज़ार सालों बाद प्रोमेथियस को हरक्यूलस ज्यूस के एक बेटे ने बचाया। इस बलिदान के कारण प्रोमेथियस को बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है और ग्रीस में ज़्यादातर लोहार प्रोमेथियस की पूजा करते हैं। हेडिस, द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। टाइटन के खिलाफ जंग जीतने के बाद ज्यूस और बाकी देवताओं ने फैसला किया कि वह अपने इस राजघराने को तीन हिस्सों में बांट देंगे। पोसाइडन को समुद्र का देव बनाया जाता है, ज्यूस को आसमान का और हेडिस को अंडरवर्ल्ड का। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड इस धरती की नीचे की दुनिया को कहा जाता है। दोस्तों, ग्रीक्स मैथोलॉजी के अनुसार अंडरवर्ल्ड में छह नदियों का होना माना जाता है। उन छह नदियों में पहली नदी है स्टिक्स, जिसे नफरत की नदी भी कहा जाता है। यह नदी अंडरवर्ल्ड को 7 बार चक्कर लगाती है। उसके बाद आती है नदी एक्रोन और इसे माना जाता है दर्द की नदी के नाम से। उसके बाद लीथ, इस नदी को दरियादिली की नदी से भी जाना जाता है। और उसके बाद फैगाटोन जो कि आग की नदी है, और आखिर में ओकेनियस। दोस्तों, इन छह नदियों को क्रॉस करने के बाद एक बहुत ही बड़ा डायमंड का गेट देखने को मिलता है। दोस्तों, इस दरवाजे की रक्षा एक 3 सर वाले बहुत ही खतरनाक कुत्ते के हाथों में होती है, जिसका नाम है सर्बरस। और इस दरवाजे के बाद हमें हेडिस का बहुत ही बड़ा महल देखने को मिलता है। कहा जाता है कि हेडिस का महल सोने चांदी और हीरे मोतियों से बना है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, माउंट ओलंपस से भी ज्यादा। उसकी वजह है कि दुनिया का हर तरीके का खजाना जमीन के अंदर ही गड़ा होता है और कहा जाता है कि हेडिस ही उन सभी खजानों का मालिक है। दोस्तों, कहा जाता है कि हेडिस के महल में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब हेडिस चाहे आपको अंदर को, अदरवाइज आप कभी भी उसके महल में नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार मौत के बाद इंसान की आत्मा को हर्मिस द्वारा अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में ले जाया जाता है। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में पहुंचने के बाद उस आत्मा को एक परी मिलती है जो कि उसे उसकी पहली नदी पार कराने में सहायता करती है। वहां पर सिर्फ एक ही परी है और उसके पास एक बहुत ही सुंदर बोट है जिसका नाम है कैरन, पर वह परी सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे ले जाती है जो उसकी कीमत चुका सके। दोस्तों, अगर हम रोमन मेसोपोटामिया और इनके इतिहास में देखें तो हर जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो ये लोग वे उनकी लाश के ऊपर सिक्के रख देते हैं, इनके लिप्स और इनकी आंखों में। वो सिक्के वो इसलिए रखते हैं ताकि जब भी वो आत्मा अंडरवर्ल्ड में पहुंचे तो वो आत्मा उन्हीं सिक्कों की सहायता से उस परी की कीमत चुका सके।
पर अगर किसी मरे हुए इंसान के सर में सिक्के नहीं रखे गए तो वो उस परी की कीमत नहीं चुका सकता। इसके बाद वो आत्मा हेडिस के महल में पहुंच जाती है। सर्बरस, जो हेडिस के दरवाजों की रक्षा करता है, वो आत्मा को अंदर आने देता है, पर वो सिर्फ कभी भी उन आत्मा को बाहर नहीं जाने देता। इसके बाद हेडिस के महल में 3 बहुत ही बड़े जज होते हैं, जो इंसानों के कर्मों के हिसाब से उन्हें सजा देते हैं। जिन इंसानों ने अच्छे कर्म किए हैं वे उन्हें स्वर्ग भेजते हैं, और जिन्होंने बुरे उन्हें नर्क भेजा जाता है। दोस्तों, पुराने जमाने में ग्रीस में लोग हेडिस से बहुत ज्यादा डरते थे। वो इतना ज्यादा डरते थे कि हेडिस का नाम लेना भी वहाँ पाप माना जाता था। इन सब के बावजूद हेडिस को सोने और खजानों का देवता भी माना जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का महंगा से महंगा सोना और खजाना हमें धरती के नीचे से ही मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हेडिस गार्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड है, और ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार हेडिस अपना ज्यादा समय अंडरवर्ल्ड में ही बताता था। वो बहुत ही ज्यादा कम बाहरली दुनिया में आता था। एक दिन हेडिस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ वेजियस से किसी विषय में बात करने के लिए जाता है। उसी दौरान उसकी नजर प्रोसेफनी पर पड़ती है। दोस्तों, प्रोसेफनी ज्यूस की बेटी है और उसकी माँ का नाम है डेमाटार। प्रोसेफनी को देखते ही हेडिस उसके प्यार में पागल हो जाता है। दोस्तों, ज्यूस हेडिस से बहुत समय पहले एक वादा करता है कि वो उसकी एक बेटी का हाथ हेडिस के हवाले कर देगा, और प्रोसेफनी को देखते ही हेडिस ज्यूस से उसका वादा पूरा करने के लिए कहता है और उसकी शादी प्रोसेफनी से करवाने की डिमांड रखता है, जिसे ज्यूस मान भी लेता है। पर ज्यूस जानता है कि प्रोसेफनी की मां डेमाटार कभी भी उसकी बेटी की शादी गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड से होने नहीं देगी। ज्यूस अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो प्रोसेफनी की शादी हेडिस से करवाने का एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है। अगली सुबह जब प्रोसेफनी और उसकी मां डेमाटार धरती पे आती हैं, तो उसकी मां प्रोसेफनी को थोड़ा समय के लिए अकेला छोड़ देती है। उसी अकेले समय के दौरान अथीना प्रोसेफनी को बहुत ही सुंदर फ्लावर के रूप में दिखाई पड़ती है, और प्रोसेफनी उस फ्लावर के ऊपर भागी चली जाती है। और जब वो उस फ्लावर को काटने के लिए झुकती है, तभी हेडिस धरती से बाहर निकलता है और उसे उठाकर अंडरवर्ल्ड में ले जाता है। जब प्रोसेफनी की माँ डेमाटार वापस आती है अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उसकी बेटी उसे कहीं भी नहीं मिलती। उसकी माँ प्रोसेफनी की दासियों से उसकी बेटी के बारे में पूछती है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसकी बेटी को गॉड ऑफ हेडिस उठा कर ले गया है। प्रोसेफनी की माँ इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो उन दासियों को शराब देती है और उन दासियों को एक बदशकल जहरीले जानवर में बदल देती है, जिन्हें अब साइरेंट कहा जाता था। अपनी बेटी को खोने के बाद डेमाटार पागल हो जाती है, और वो पागलों की तरह धरती के कोने कोने में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। दोस्तों, डेमाटार कुदरत की देवी है, और अपनी बेटी की तलाश के दौरान वो अपने सारे काम छोड़ देती है, जिसके कारण धरती पे बहुत ही ज्यादा भयंकर सन्नाटा और ठंड छा जाती है। जानवर मरने लग पड़ते हैं और हवा भी जहरीली होने लग पड़ती है। धरती की ये हालत देख ज्यूस परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर जल्दी ही उसने डेमाटार को नहीं रोका तो पूरी की पूरी धरती के साथ इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। और फिर बाद में ज्यूस डेमाटार को वादा करता है कि वो प्रोसेफनी को वापस धरती पर ले आएगा। दूसरी ओर प्रोसेफनी के साथ हेडिस बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ प्रोसेफनी भी हेडिस को प्यार करने लग पड़ती है। पर बाद में हेडिस को पता लगता है धरती की हालत के बारे में और ज्यूस के किए गए वादे के बारे में, और वो तैयार हो जाता है प्रोसेफनी को डेमाटार को वापस करने के लिए। पर हेडिस के मन में एक बहुत ही बड़ा डर फैल जाता है। उसे लगता है कि अगर ज्यूस प्रोसेफनी को पूछेगा किसके साथ रहने के बारे में, तो प्रोसेफनी अपनी माँ के साथ रहने को बोलेगी और उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। ऐसा ना हो, इसीलिए हेडिस प्रोसेफनी को अनार देता है और उसे खाने के लिए कहता है। दोस्तों, ग्रीस मैथोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को कोई मीठा फल देते हो तो वो एक निशान है उसके वापस आने का, एक वादा कह लें आप जैसे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब ज्यूस प्रोसेफनी से पूछता है कि उसे किसके साथ रहना है, तो प्रोसेफनी बोलती है कि उसे अपने हस्बैंड हेडिस के साथ रहना है। यह सुन डेमाटार पागल हो जाती है, और उसे लगता है कि शायद हेडिस ने किसी किस्म का जादू किया है उसकी बेटी के ऊपर। और डेमाटार यह क्लियर कर देती है कि जब तक उसकी बेटी उसे वापस नहीं मिलती, वह धरती को फिर से सही नहीं करेगी। ये सब को देखते हुए ज्यूस फैसला करता है कि प्रोसेफनी एक साल में आधा समय अपनी माँ और आधा समय अपने पति के साथ बिताएगी। ग्रीक लोगों के अनुसार यही एक वजह है साल में लगातार बदलते हुए मौसम की। जो समय प्रोसेफनी अंडरवर्ल्ड में बिताती है, उस समय उसकी माँ उसकी बेटी की जुदाई के गम में अपनी देवी होने के सभी कर्तव्य भुला देती है, जिस कारण उस समय ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और जब उसकी बेटी प्रोसेफनी वापस अपनी माँ के पास चली जाती है, तो फिर से दुनिया वो खुशहाल हो जाती है। ग्रीक मैथोलॉजी में मेडुसा को बहुत ही ज़्यादा बदशकल और भयानक राक्षस बताया गया है, पर मेडुसा शुरू से ऐसी नहीं थी।
मेडुसा अपने फैमिली की इकलौती मॉर्टल और वो फोर्की और केटो की तीसरी बेटी थी। खूबसूरती तो जैसे उसे एक वरदान में मिली थी। मेडुसा की खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसकी शक्ल देखने के लिए ही तरस जाते थे। मेडुसा देवी अथीना की बहुत बड़ी भक्त थी और वो अथीना के मंदिर में एक पुजारन थी। अथीना के मंदिर के पुजारन बनने की एक बहुत ही बड़ी शर्त होती थी कि वह उसे एक प्योर बनकर रहना होगा। उसे किसी भी तरह के मर्द के साथ कोई भी शारीरिक संबंध रखने में सख्त मनाही थी। मेडुसा इस शर्त पे खड़ी भी उतरी। अब मेडुसा की खूबसूरती को देखने के लिए अथीना के मंदिर में कई हज़ारों लोग आने लगे। लोगों का मानना था कि मेडुसा के बाल बिल्कुल अथीना के बाल की तरह हैं और उसकी खूबसूरती अथीना से भी ज़्यादा, और इसी वजह कारण अथीना के मन में मेडुसा के लिए जलन पैदा होने लगी। एक दिन समुंदर के देवता पोसाइडन अथीना से मिलने वे उसके मंदिर में आए। मंदिर के अंदर जब पोसाइडन ने मेडुसा की खूबसूरती को देखा तो वो वहीं हैरान हो गए। पोसाइडन ने उसी वक्त अपने मन में ठान ली कि वे मेडुसा को हासिल कर रहेगा। पोसाइडन ने कई बार मेडुसा को अपने दिल की बात बताई, पर मेडुसा ने हर बार पोसाइडन को ठुकरा दिया। जैसा कि मैंने कहा, मेडुसा अथीना की बहुत बड़ी भक्त थी और वह किसी भी हालात में अथीना की दी गई शर्त को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसी विषय में पोसाइडन की बहस अपनी बहन अथीना के साथ बहुत बार हुई, पर हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली। मेडुसा के द्वारा बहुत बार ठुकराए जाने से पोसाइडन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने फैसला किया कि अब वो ज़बरदस्ती ही मेडुसा को हासिल कर लेगा। पोसाइडन मेडुसा से मिलने एक बार फिर आया। मेडुसा को ये जानते हुए देर नहीं लगी कि पोसाइडन के मन में क्या है और वो अथीना के मंदिर अपनी जान बचाने के लिए भागी, ये सोचकर कि शायद देवी अथीना उसकी रक्षा करेंगी। पर उस रात उसकी रक्षा किसी ने नहीं की और पोसाइडन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। पोसाइडन के जाने के थोड़े समय बाद ही अथीना अपने मंदिर वापस आ गई। उसने जब मेडुसा की वो हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने फैसला किया कि वो मेडुसा को इतनी भयंकर सजा देगी कि पोसाइडन की रूह भी कांप उठे। अथीना ने मेडुसा को शराप दिया कि जिस खूबसूरत बालों का तुम्हें बहुत घमंड है वो एक सांप के सर की तरह बन जाएंगे, और जिस खूबसूरती से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़क्र है अब वो इतनी भयंकर हो जाएगी कि जिसे देखते ही इंसान पत्थर का बन जाए। मेडुसा के भयंकर राक्षस बनने की खबर फैलती चली गई। मेडुसा के भयानक राक्षस बनते ही मेडुसा के ऊपर कई सारे इनाम भी लगने लगे। लोग कहने लगे कि जो भी मेडुसा का सर काट लाएगा उसकी बहादुरी के चर्चे वे सदियों तक सुनाए जाएंगे। कई सारे योद्धाओं ने मेडुसा का सर काटने की बहुत ही कोशिश की, पर उनकी किस्मत भी एक ही जगह ख़त्म हुई। वे सब के सब एक पत्थर की तरह बन गए। एक दिन पर्सियस नामक योद्धा को मेडुसा का सर काट कर लाने के लिए कहा गया। पर्सियस ज्यूस की एक और नाजायज औलाद थी। पर्सियस अपने अभियान में सफलतापूर्वक बाहर आ जाए, इसी कारण कई सारे देवताओं ने उसे बहुत सारे हथियार दिए, जिन हथियारों की मदद से वह मेडुसा का सर काटने में सफल हो गया। पर मेडुसा का सर काटते ही मेडुसा के पेट में से एक ऐसी संतान ने जन्म दिया जो पोसाइडन की थी। वो संतान मेडुसा के कटे हुए धड़ से ही बाहर आ गई, जिसका नाम था पेगासस। सिसिफस ग्रीक मैथोलॉजी में समझदार इंसानों में माना जाता है। एक दिन ज्यूस एक ईगल के रूप में आकर खूबसूरत लड़की अजीना का अपहरण करता है, जिसे सिसिफस देख लेता है। सिसिफस इस मौके का फायदा उठाना चाहता था, इसीलिए वह अजीना के पिता एसुपसिस के पास जाता है। एसुपसिस ग्रीक मैथोलॉजी में पानी का देवता था। दोस्तों, सिसिफस कोरिन्थ का राजा था और उसके राजघराने में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। सिसिफस एसु को कहता है कि अगर तुम मेरे राजघराने में पानी ला दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। एसु के पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय सिसिफस की बात मानने के। अपनी बेटी का पता जानते हुए एसु ज्यूस के पास जाता है और अपनी बेटी को वापस ले आता है। ज्यूस को जब पता लगता है कि सिसिफस के कारण ये सब हुआ, वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ज्यूस गुस्से में आकर थैनाटोस को सिसिफस को मारने के लिए भेजता है। थैनाटोस को गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जब थैनाटोस सिसिफस के पास आता है तो सिसिफस उसे देख हैरान हो जाता है। थैनाटोस को देख सिसिफस समझ जाता है कि थैनाटोस उसे मारने आया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि सिसिफस बहुत ही ज्यादा समझदार था, वह एक तरकीब निकालता है थैनाटोस को हराने के।
के लिए। वो थानाटोस की ओर देखता है और कहता है, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, पर मरने से पहले मैं कहना चाहता हूँ थानाटोस कि तुम्हारे जैसा बहादुर और शक्तिशाली देवता मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे खुशी है कि मेरी मौत तुम जैसे देवता के हाथों से हो रही है, पर मरने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। मेरे पास देवताओं को खुश करने जैसा तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास मेरे गहने हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें पहने। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। थानाटोस सिसिफस की बातों को सुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सिसिफस द्वारा दिए गहने को पहन लेता है। जैसे ही थानाटोस सिसिफस द्वारा दिए गहनों को पहनता है, वो जंजीरों में बंध जाता है। दरअसल सिसिफस ने थानाटोस को वो गहने दिए थे जो गुलामों के लिए बनाए जाते हैं। सिसिफस ने अपनी समझदारी के साथ वो कर दिखाया था जो ग्रीक में आज तक कोई नहीं कर सका। उसने मौत के देवता को अपना बंदी बना लिया था। अब काफी समय हो जाता है थानाटोस को सिसिफस का बंदी बने हुए। गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडिस को जब इस बात का पता चलता है तो वो सिसिफस के राजघराने में जाता है और थानाटोस को आजाद करवा लेता है और वो सिसिफस की आत्मा को अंडरवर्ल्ड में ले आता है। सिसिफस को इस बात का पहले से ही पता था कि उसके साथ कुछ खतरनाक जरूर होगा, इसीलिए उसने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर उसकी मौत किसी भी रीजन के साथ हो जाती है तो वो उसका अंतिम संस्कार ना करे और ना ही कोई शाही सम्मान दे उसे। इसके बाद सिसिफस जब अंडरवर्ल्ड में हेडिस से मिलता है तो वो उसे कहता है कि हे मौत के देवता, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत ज्यादा निराश किया है और मैं आपसे इस बात की माफी मांगता हूँ और आप मुझे जो भी सजा दोगे मैं उसे कबूल करता हूँ। पर मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी बीवी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया मेरे मरने के बाद और ना ही कोई मुझे शाही सम्मान दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा धोखा मिला है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ एक दिन के लिए दोबारा जिंदा कर दो ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। हेडिस सिसिफस की बात मान जाता है और उसे एक दिन का समय देता है। जब सिसिफस एक दिन के लिए जिंदा होता है, वो अपनी बीवी को मिलता है और भाग जाता है और मौत को एक बार फिर से चकमा दे देता है। इसके बाद सिसिफस अपनी सारी जिंदगी छुप कर बिताता है। वो फिर वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और फिर वो जानता है कि अब वो मौत को चकमा नहीं दे सकता और बुढ़ापे में उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद जब वो फिर से हेडिस को मिलता है तो हेडिस उसे टार्टरस में फेंक देता है। हेडिस सिसिफिस को सजा देता है वह जिंदगी भर पत्थर को एक पहाड़ी के ऊपर लेकर जाने की। जब भी सिसिफिस पत्थर को लेकर पहाड़ी के किनारे पहुंचता है, वो फिर से नीचे गिर जाता है और वह करता ही रहता है सारी जिंदगी तक। साइकी एक बहुत ही बड़े राजे की तीसरी बेटी थी और खूबसूरती तो जैसे उसे वरदान में मिली थी। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए उसके राजघराने में आते थे और धीरे धीरे लोग उसे एक इंसान की जगह एक देवी की तरह पूजने लगे। उस समय ग्रीक में एफ्रोडाइटी प्यार और खूबसूरती की देवी थी, पर क्योंकि उसके भक्त उसे छोड़ साइकी के पास जाने लगे, उसे साइकी से बहुत ही ज्यादा नफरत होने लगी। देवी एफ्रोडाइटी साइकी को सजा देना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बेटे एरोस को आदेश दिया कि वो साइकी को किसी भयंकर राक्षस के प्यार में डाल दे। दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी में एरोस प्यार का देवता है। एरोस के पास एक ऐसा हथियार है जिसे किसी भी देवी या किसी भी इंसान को किसी के भी प्यार में डाल सकता है। जब वो साइकी के कमरे में जाता है तो वो साइकी की खूबसूरती देख हैरान हो जाता है। साइकी की खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि एरोस अपना निशाना चूक जाता है और वो गलती से अपना तीर अपने को ही मार देता है, जिस वजह कारण वो साइकी से प्यार में पड़ जाता है और वो अपनी माँ द्वारा दिए गए काम को पूरा नहीं कर पाता और वो खाली हाथ ही वापस लौट जाता है। अपने बेटे की नाकामयाबी देख एफ्रोडाइटी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती और वो साइकी को श्राप देती है कि भले ही तुम कितनी भी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, पर कोई भी मर्द तुमसे कभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। और एफ्रोडाइटी द्वारा दिया गया इस श्राप साइकी की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अकेलापन ला देता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी कोई भी इंसान उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। साइकी की दोनों बड़ी बहनों की भी शादी हो जाती है, पर उसकी शादी नहीं होती और इन सब के कारण शायद साइकी बहुत ही ज्यादा अकेली और निराश हो जाती है। साइकी के पिता ओरेकल ऑफ डेल्फी के पास जाते हैं अपनी बेटी के इस अकेलेपन को दूर करने के लिए। ओरेकल साइकी के पिता को बताता है कि उसकी बेटी के नसीब में बहुत ही ज्यादा बदशक्ल और भयंकर राक्षस है और इसके अलावा कोई और पुरुष उससे शादी नहीं कर सकता। वो अपनी बेटी को एक दुल्हन के जोड़े में डालकर पहाड़ी के किनारे में छोड़ दे। वो राक्षस उसे उठा ले जाएगा और उससे शादी करेगा और बाद में वही राक्षस उसकी मौत का कारण भी बनेगा। साइकी के पिता अपनी खूबसूरत बेटी को नहीं खोना चाहते, पर ओरेकल की बात मानना भी बहुत जरूरी था। इसी कारण साइकी के पिता ने वही किया जो ओरेकल ने उनको करने को कहा था। वो अपनी बेटी को दुल्हन के कपड़े में सजा कर वे पहाड़ी के कोने में छोड़ देते हैं। पहाड़ी के कोने में साइकी अपने भयंकर राक्षस पति का इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक हवाएं आ जाती हैं और उन हवाओं के बीच ज़ेफिरस जो कि हवा का देवता है, साइकी को उठा एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस में ले जाता है। वो पैलेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, सोने और खजानों से भरा पड़ा।
था और साइकी उस खजाने को देख हैरान हो जाती है। साइकी पैलेस को घूम के देख रही होती है कि तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं जो कहती हैं कि साइकी ये अब सब तुम्हारा है, तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें वो देंगे। बाद में साइकी को पता लगता है कि ये सब अदृश्य दास और दासियां हैं जो उसकी सेवा में हाजिर की गई हैं। वो दास और दासियां साइकी को बोलती हैं कि तुम्हारा पति रात को तुम्हें मिलेगा। वो दास और दासियां ये भी कहती हैं कि तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हें रात को ही मिलेगा और वो तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हें उन्हें देखने की मंजूरी नहीं है। इस कारण अंधेरे में किसी भी तरह की रोशनी जगाना सख्त मना है। अब साइकी रात को अपने भयंकर हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है। जब साइकी का पति वापस आता है तो वो उसे बहुत ही अच्छे तरह से ट्रीट करता है। साइकी ये देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर बाद में ऐसे ही चलता रहता है। साइकी का पति हर रात साइकी से मिलने आता है और दिन में चला जाता है और ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। पर एक दिन साइकी रात को अपने पति से पूछती है कि आप हमेशा क्यों अंधेरे में ही रहते हैं, आप अपनी शक्ल मुझे क्यों नहीं दिखाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही बदशक्ल क्यों ना हो, मैं आपको सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। साइकी का पति उसे कहता है कि मैं तुम्हें जितना प्यार चाहे उतना दे सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो, अंधेरे में हम बिल्कुल बराबरी के हैं। थोड़े समय बाद साइकी को अपने परिवार की बहुत ही ज्यादा याद आने लगती है और वो अपने पति को कहती है कि वो अपने परिवार से एक बार मिलना चाहती है। साइकी का पति उसको उसके परिवार से मिलने की इजाजत दे देता है और अगली सुबह साइकी को उसके घर में छोड़ दिया जाता है। साइकी अपने घर जा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अपने बहनों को अपने पति के बारे में बताती है। वो बताती है कि किस तरह उसे बहुत ही ज्यादा प्यार और अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है उसके घर में और उसका घर एक बहुत ही बड़ा पैलेस है जिसके अंदर दुनिया का हर तरह का खजाना छिपा हुआ है। साइकी की बहनें उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और सोचती हैं कि शायद साइकी उसे बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है क्योंकि ओरेकल ने कहा था कि साइकी का पति बहुत ही ज्यादा बदशक्ल और भयंकर होगा। अपनी बहनों का विश्वास जीतने के लिए साइकी उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब साइकी की बहनें साइकी के घर पहुंचती हैं तो वो भी देखकर हैरान हो जाती हैं। साइकी के पैलेस को देख वो हैरान और परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बड़ा होता है, पर उनके अंदर की घृणा और भी बढ़ जाती है और वो साइकी को कहती हैं कि हाँ ये सब दिखने में बहुत तो ज्यादा सुंदर है, पर तुम्हें याद नहीं ओरेकल ने क्या कहा था कि तुम्हारा पति एक बहुत ही ज्यादा भयंकर राक्षस होगा जो तुम्हें ही मार डालेगा। उसकी बहनें साइकी के मन में एक वहम डाल देती हैं और कहती हैं कि जब उसका पति रात को सो रहा होगा एक चाकू उठाना, लाइट जगाना और उसकी जवान को काट डालना। ये सब कहने के बाद साइकी की बहनें वापस चली जाती हैं और इसी दौरान साइकी के मन में वहम शुरू होने लग पड़ता है। अगली रात जब साइकी का पति उसके घर वापस आता है तो साइकी रात को उठती है, चाकू उठाती है और मोमबत्ती ले अपने पति को देखने लग पड़ती है। जब वो अपने पति को देखती है तो वो देखती है कि वो एक राक्षस नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मर्द था और ये इंसान कोई और नहीं भगवान एरोस था जिसने साइकी के कारण वो तीर अपने छाती में ले लिया था और उससे प्यार करना शुरू कर दिया था। साइकी ये देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसी दौरान एरोस भी जाग जाता है। एरोस जागते ही साइकी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एरोस कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम सिर्फ अंधेरे में ही मिलेंगे और हमें एक दूसरे को देखने की इजाजत नहीं है, इसके बावजूद भी तुमने ये सब किया, क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और इसी दौरान साइकी का पति उसे बोलता है कि अब तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी और उसे छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। अपनी पति को खो देख साइकी बहुत ही ज्यादा बुरे सदमे में आ जाती है और वो वापस चले जाती है, पर वो अपने घर नहीं जाती बल्कि वह गार्ड डेमीटर के पास उसकी दास बन के रहने लग पड़ती है। हालांकि वो अपने पति के बारे में हमेशा ही सोचती रहती थी और आने वाले समय में साइकी गार्ड डेमीटर की बहुत ही ज्यादा पूजा करती है सच्चे दिल से। गार्ड डेमीटर साइकी की इस भक्ति को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी का एक हल दे सकती हूँ। वो कहती है कि तुम गार्ड एफ्रोडाइटी के पास जाओ, अगर भगवान एफ्रोडाइटी ने तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लिया तो एरोस वापस तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। ये सब सुनने के बाद साइकी गॉड एफ्रोडाइटी के पास जाती है, उससे माफी मांगती है और उसे बोलती है कि वो अपने पति को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एफ्रोडाइटी साइकी को कहती है कि एरोस का प्यार पाने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा कड़ी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। एफ्रोडाइटी साइकी को सबसे पहले अलग अलग प्रकार की दालें और बीन्स को निकाल के अलग अलग करने को कहती है। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कड़ा इम्तिहान होता है, इतना ज्यादा कड़ा कि शायद हरक्लिस भी इसे ना कर पाए। एरोस जो कि छुप कर साइकी को देख रहा होता है वो चींटियों को साइकी की मदद करने के लिए कहता है और चींटियां साइकी की इस इम्तिहान में मदद करती हैं जिसके कारण साइकी ये इम्तिहान पास कर लेती है। गार्ड एफ्रोडाइटी ये देखकर हैरान हो जाती है कि साइकी ने कितनी जल्दी ये टास्क को पूरा कर लिया है और फिर वो साइकी को अपना दूसरा इम्तिहान देती है जिसमें वो कहती है कि साइकी को सोने की बकरियों की खाल उखाड़ कर लेकर आना पड़ेगा। वो सोने की बकरियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। समुद्र देवता की सहायता के कारण साइकी ये इम्तिहान भी पास हो जाती है। उसके बाद एफ्रोडाइटी साइकी को सॉस ऑफ स्टिक में से पानी निकाल कर लेकर आने के लिए कहती है। ये इम्तिहान बहुत ही ज्यादा कड़ा होता है, पर ज़ियोस अपने ईगल को भेजता है साइकी की मदद करने के लिए जिसकी सहायता के कारण साइकी ये इम्तिहान भी पास कर लेती है।
जाती है। ये सब देखने के बाद गार्ड एफ्रोडाइटी को पता लग जाता है कि साइकीजे इम्तिहानों को पास करने में कामयाब इसलिए हो रही है क्योंकि देवता उसकी सहायता कर रहे हैं। इसी कारण एफ्रोडाइटी साइकी को अगला इम्तिहान देती है जो साइकी को खुद ही करना होता है। वो साइकी को कहती है कि तुम अंडरवर्ल्ड गॉड ऑफ हेडिस के पास जाओ और उसकी वाइफ प्रोसेफनी से खूबसूरती का पानी लेकर आओ। अगर तुम ये इम्तिहान पास करने में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हें मेरे बेटे से मिलवा दूंगी एरो से और तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। यह इम्तिहान बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अंडरवर्ल्ड में बिना मरे जाना लगभग नामुमकिन होता है। ये सब सोचते हुए साइकी अपनी जान लेने के लिए भी तैयार हो जाती है और वो बहुत ही ऊंची पहाड़ी में जाती है और शिलांग लगाती है। पर इससे पहले कि वो शिलांग लगाए उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि अंडरवर्ल्ड में पहुंचने का एक और रास्ता है। वो आवाज साइकी को कहती है कि वो उसकी मदद करेगी अंडरवर्ल्ड में परसेफनी तक पहुंचने के लिए। पर वो आवाज साइकी को यह भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो परसेफनी द्वारा दिए गए फलों को खाए मत। और उस आवाज की सहायता के कारण साइकी आसानी से अंडरवर्ल्ड पहुंच जाती है और परसेफनी से खूबसूरती के फल ले आती है। परसेफनी उसे एक बहुत ही सुंदर बक्सा देती है और उसी की सहायता से वापस भी आ जाती है। पर वापस आते समय साइकी सोचती है कि इस बक्से में खूबसूरती के राज छुपे हुए हैं और बहुत समय हो गया है मैंने अपनी खूबसूरती पर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि मैंने सभी चुनौतियां पूरी कर ली है मेरा मेरे पति से मिलना अब निश्चित हो चुका है तो क्यों ना मैं कुछ फल निकालकर अपने लिए खा लूं। इससे मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी और मेरा पति मुझसे और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। और इसी दौरान साइकी उस डब्बे को खोल देती है। उस डब्बे को खोलते ही उस डब्बे में से काला जादू निकलने लग पड़ता है जो साइकी की जिंदगी को उसके शरीर से निकालने लग पड़ता है। दूसरी ओर जब एरोस को इस बात का पता लगता है तो जल्दी ही वो अपने घर से साइकी को बचाने निकल पड़ता है। जब एरोस साइकी के पास पहुंचता है तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में होती है। पर सेरोस और थानेटोस मिलकर साइकी की जान बचा लेते हैं और वो उस काले जादू को डब्बे में वापस डाल देते हैं। साइकी जब होश में आती है तो वो अपने पति एरोस के हाथों में होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद एरोस साइकी को कहता है कि वह अपना काम पूरा करे, उस डब्बे को अपनी माँ एफ्रोडाइटिस के पास पहुंचा दे। और इसके बाद एरोस ज्यूस के पास जाता है और उससे भीख मांगता है कि वह साइकी को भी अमर बना दे ताकि उनका प्यार हमेशा के लिए अमर रहे। एरोस की इस गुहार को देख ज्यूस मान लेता है और वह साइकी को अमर रत्न दे देता है जिससे साइकी अमर हो जाती है और इसके बाद उनका प्यार हमेशा के लिए बना रहता है। तो शुरुआत होती है ज्यूस से, हमारा ठरकी ज्यूस। तो ग्रीस में एक और बहुत ज्यादा खूबसूरत शादीशुदा लड़की होती है जिसका नाम होता है एल्कमी और ज्यूस एल्कमी को शारीरिक प्यार देना चाहता है और ऐसा करने के लिए ज्यूस अपना भेष एल्कमी के पति में बदल देता है और दोनों मिलकर मिंगल करते हैं। ज्यूस और उसी रात एल्कमी का असली पति भी कमरे में आता है और वो दोनों मिलकर फिर से मिंगल करते हैं जिसके फलस्वरूप एल्कमी प्रेग्नेंट हो जाती है और अब उसके पेट में दो बच्चों का जन्म हो रहा है। पहला बच्चा होता है ज्यूस का और दूसरा बच्चा होता है उसके पति का। ज्यूस की वाइफ फेरा को हरक्युलिस से बहुत नफरत होती है क्योंकि नंबर वन वो उसके पति की एक और नाजायज औलाद है और नंबर टू वो जानती है कि ज्यूस की ये औलाद बहुत ज्यादा मशहूर होने वाली है तो वो बहुत ज्यादा जेलस है। तो सबसे पहले हेरा ज्यूस के पास जाती है और उसे कसम खिलवाती है कि जिसका भी बच्चा एल्कमी की कोख से पहले जन्म लेगा वो राजा बनेगा। और ज्यूस ऐसा करने से मान जाता है क्योंकि ज्यूस को पता था कि एल्कमी की पहली औलाद हरक्युलिस होने वाली है तो वो खुश था क्योंकि उसका बेटा राजा बनेगा। पर हेरा का असली प्लान कुछ और ही था। हेरा गॉडेस अलीथिया को कहकर एफिक्लिस जो कि हरक्युलिस का भाई होता है का जन्म पहले करवा देती है जिसके कारण अब हरक्युलिस राजा नहीं बन सकता। दोस्तों ग्रीस मैथोलॉजी में अलीथिया गॉडेस ऑफ बर्थ है। जन्म होने पर हरक्युलिस का पहला नाम एल्सियारिस होता है पर मैं अपनी वीडियो को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता तो इसीलिए हम उसे हरक्युलिस ही बुलाएंगे। हरक्युलिस को जन्म देने के बाद एल्कमी चिंता में पड़ जाती है क्योंकि वो जानती है कि जब तक हरक्युलिस उसके घर में है गॉडेस हेरा उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। तो एल्कमी हरक्युलिस को पहाड़ों में छोड़ देती है। गॉडेस अथेना बाद में हरक्युलिस को बचाती है और उसे गॉडेस हेरा के पास लेकर जाती है। गॉडेस हेरा जो कि एक बहुत बड़ी भगवान होने के बावजूद भी नहीं जानती कि आखिर अब हरक्युलिस दिखता कैसा है और अथेना उसे एक फालतू सी कहानी बताती है कि कैसे इस बच्चे को पहाड़ियों में छोड़ दिया गया और ये बच्चा काफी दिनों से भूखा है। इस कहानी को सुन हेरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हरक्युलिस को अपना दूध पिलाने लगती है और बेवकूफ हेरा को पता ही नहीं होता कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हरक्युलिस है। दूध पीते पीते हरक्युलिस हेरा को बहुत जोर से काटता है जिसके बाद हेरा उसे दूर धकेल देती है और हेरा की छाती से गिरता दूध मिल्की वे में बदल जाता है। जिन लोगों को नहीं पता मिल्की वे क्या है तो ये रही फोटो।
अथीना बाद में हरक्लिस को उसकी माँ अल्केमी को वापस दे देती है और बाद में उसका बचपन अपनी फैमिली में गुजरता है। हेरा एक बार फिर हरक्लिस को मारने दो जहरीले सांप भेजती है जिन्हें हरक्लिस बड़ी आसानी से मार देता है। उसके बाद हरक्लिस का बचपन बड़ी शांति से गुजरता है। अडल्ट होने पर हरक्लिस बहुत गुस्सेल हो जाता है। गुस्से में एक बार वो अपने ही म्यूजिक टीचर को मार देता है। ऐसा करने पर उसे देश निकाला दे दिया जाता है। हरक्लिस उसके बाद जंगलों में रहने लगता है जहाँ पर उसकी मुलाकात थेस्पियस के राजा से होती है। अब थेस्पियस में सेथ्रियन का शेर बहुत तबाही मचा रहा था और थेस्पियस का राजा हरक्लिस से उस शेर को मारने के लिए कहता है और बदले में उसे बहुत बड़े इनाम का लालच देता है। हरक्लिस बाद में सेथ्रियन के शेर को ढूंढने निकल जाता है और उसे 50 दिन लग जाते हैं उस शेर को ढूंढने के लिए। हरक्लिस बाद में उस शेर को बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी ताकत से ही मार देता है। ये देख थेस्पियस का राजा इतना खुश हो जाता है कि वह हरक्लिस को तोहफे में अपनी 50 बेटियां एक एक रात गुजारने के लिए देता है। इतना ही नहीं, थेस्पियस का राजा हरक्लिस को अपनी बेटियों को प्रेग्नेंट करने के लिए कहता है ताकि उसकी राज घराने में हरक्लिस का वंश पैदा हो। इतने आनंद लेने के बाद हरक्लिस थीव्स की रानी मेग्रा से शादी करता है और हरक्लिस की इस बीवी से 3 बच्चे होते हैं। हमारी बेवकूफ कारिस हेरा को हरक्लिस की खुशहाल जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह हरक्लिस के दिमाग में पागलपन भर देती है, जिसके कारण हरक्लिस अपनी बीवी और बच्चों को जिंदा ही जला देता है। जब हरक्लिस को होश आता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। शर्मिंदा हरक्लिस ओरेकल के पास जाता है अपनी इस गलती की माफी मांगने के लिए और ओरेकल उसे गॉडेस हेरा की पूजा करने को कहती है। गॉडेस हेरा जो कि हरक्लिस की बहुत बड़ी दुश्मन होती है, हरक्लिस को किंग यूरिस्टस के पास भेजती है। किंग यूरिस्टस हरक्लिस को 10 इम्पॉसिबल टास्क देता है, ऑल्सो नोन एज लेबर्स, और जहाँ से हरक्लिस और उसके 10 लेबर्स की कहानी शुरू होती है। तो हरक्लिस का पहला लेबर होता है लेमियन के लाइन को मारने का। इस शेर की चमड़ी इतनी मोटी और मजबूत होती है कि इसे किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता, पर हरक्लिस को किसी भी हथियार की जरूरत नहीं होती और वो इस शेर को सिर्फ अपने हाथों से ही मार गिराता है। उस शेर को मारने के बाद हरक्लिस उस शेर की चमड़ी को काट कर पहनने लगता है। दूसरे लेबर पर हरक्लिस को ड्रैगन हाइड्रा को मारने भेजा जाता है। हाइड्रा एक बहुत बड़ा ड्रैगन टाइप राक्षस होता है और जब भी हरक्लिस उसका एक सर काटता उसकी जगह 2 सर निकल आते, पर हरक्लिस का कजन बाद में हरक्लिस की मदद करता है। अब जब भी हरक्लिस हाइड्रा का सर काटता उसका कजन उस कटे हुए सर को आग लगा देता जिसके कारण नया सर नहीं निकल पाता और इस तरह हाइड्रा ड्रैगन मर जाता है। हरक्लिस जाने से पहले उस हाइड्रा ड्रैगन के जहरीले खून से कुछ तीर बनाता है। हरक्लिस का तीसरा लेबर सैनहेरियन के हिरन को पकड़ने का होता है। मुझे पता है मैंने प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ दी है, बट यू गेट द पॉइंट राइट। ये हिरन दुनिया का सबसे तेज हिरन होता है और इसको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन होता है और ये हिरन गॉडेस एरिस का होता है, मतलब और भी बड़ी मुसीबत। किंग का ये एक प्लान होता है। वो जानता है कि गॉडेस एटमस कभी भी हरक्लिस को अपने हिरण को पकड़ने नहीं देगी, पर इसके बिल्कुल अलग होता है। गॉडेस एटमस हरक्लिस को उसके हिरण को पकड़ने की इजाजत दे देती है इस कंडीशन पर कि उसे ये हिरण वापस सही सलामत लाना होगा, और बाद में हरक्लिस उस हिरण को पकड़ कर किंग यूरेटस के पास ले जाता है। जब हरक्लिस उस हिरण को राजा को देता है तो वो हिरण राजा की पकड़ से छूट जाता है और वापस अपनी देवी के पास चला जाता है। चौथे लेबर में हरक्लिस को अरमेंथियन के स्वर को पकड़ कर लाने के लिए कहा जाता है और मुझे लगता है मैंने फिर से प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर दी, बट यू गेट द पॉइंट राइट। ये स्वर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और जब भी ये सीधा जहाज करता है तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। तो हरक्लिस सेंटर कायरन के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए, जो कि उसे बोलता है कि अगर तुम उस सुअर को बर्फ में पकड़ो तो वो सुअर तेज भाग नहीं सकेगा और तुम उसे आसानी से पकड़ सकते हो, और हरक्लिस सर्दियों में उस सुअर को बर्फ में ले जाकर पकड़ता है। हरक्लिस के पांचवें लेबर में उसे किंग अगस्त के अस्तबल को साफ करने के लिए कहा जाता है और ये अस्तबल बहुत ज्यादा गंदा होता है। इस अस्तबल में 1,000 से भी ज्यादा घोड़े होते हैं और पिछले 30 साल तक इस अस्तबल को किसी ने भी साफ नहीं किया था, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा गंदा होगा। हरक्लिस इस टास्क को बहुत ही ज्यादा आसान मानता है और वो किंग अगस्त से शर्त लगाता है कि अगर उसने इस अस्तबल को सिर्फ 1 दिन में साफ कर दिया तो उसे बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसे किंग अगस्त मान लेता है। हरक्लिस बाद में नदियों के रुख को बदल कर उस अस्तबल की ओर कर देता है, जिसके कारण वो अस्तबल सिर्फ 1 दिन में ही साफ हो जाता है। ये देख किंग अगस्त हरक्लिस को उसकी शर्त के पैसे देने से मना कर देता है। गुस्से में हरक्लिस किंग अगस्त को मार देता है और उसकी जगह उसके बेटे को राजा बना देता है। अब अगले लेबर में हरक्लिस को सेम्थेलियन के पक्षियों को मारने भेजा जाता है और मुझे लगता है मैंने फिर से प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर दी, बट यू गेट द पॉइंट राइट। तो ये पक्षी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा जहर होता है और सबसे बड़ी मुसीबत ये पक्षी जंगलों में छुपे होते हैं। तो गॉडेस एथीना हरक्लिस को एक डमरू देती है। इन डमरू की तीखी आवाज से उन पक्षियों के सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो ऊपर उड़ने लगते हैं और बाद में उड़ते हुए पक्षियों को हरक्लिस अपने तीरों से मार देता है। 6th लेबर कंप्लीट।
सातवें लेबर में हरक्युलिस को क्रीट के सांड को पकड़ कर लाने के लिए भेजा जाता है। तो हरक्युलिस क्रीट के देश जाता है और उस सांड को पकड़ कर ले आता है और इस तरह हरक्युलिस का सातवां लेबर कंप्लीट हो जाता है। हरक्युलिस के आठवें लेबर में उसे डायमोडियस की घोड़ियों को पकड़ कर लाने के लिए कहा जाता है और डायमोडियस की घोड़ियां नॉर्मल घोड़ियां नहीं होती, वो इंसानों को खाने वाली घोड़ियां होती हैं और उन घोड़ियों में इंसान खाने की आदत डायमोडियस ने डाली थी। तो हरक्युलिस सबसे पहले डायमोडियस को पकड़ता है और उसे उसी की घोड़ियों को खिलवाता है। डायमोडियस को खाने के बाद उस घोड़ियों का पेट भर जाता है और वो शांत हो जाती है और हरक्युलिस बाद में बड़ी ही आसानी के साथ उन घोड़ियों को पकड़ लेता है। नौवें लेबर में हरक्युलिस को है पोलियट, यार ग्रीक नाम की प्रोनाउंसिएशन ग्रीक लोग ही कर सकते हैं, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हरक्युलिस को अमेज़न की रानी की बेल्ट को लाने के लिए बोला जाता है। अब अमेज़न की लड़कियां बहुत ही गुस्सेल, ताकतवर और बहुत ही अच्छा माल होती हैं, पर हरक्युलिस जब अमेज़न पहुंचता है तो अमेज़न की रानी उसे देख कर उसे बेल्ट देने के लिए मान जाती है अगर हरक्युलिस उसके साथ एक रात बिताए, और हरक्युलिस मान जाता है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, गॉडेस हेरा बाकी अमेज़न की लड़कियों को कहती है कि हरक्युलिस यहां बेल्ट लेने नहीं बल्कि यहां पर तुम्हारी रानी को मारने के लिए आया है, जिसके कारण बाकी अमेज़न की लड़कियां हरक्युलिस पर हमला कर देती हैं और हरक्युलिस को मजबूरन उन लड़कियों को मारना पड़ता है और साथ साथ उस रानी को भी मारना पड़ता है। हरक्युलिस का दसवां लेबर होता है गैरियन की गायों को पकड़ने का। अब गैरियन एक तीन सर वाला राक्षस होता है और गैरियन दुनिया के दूसरे इलाके में रहता है। रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है और गुस्से में हरक्युलिस सूरज को तीर मारना शुरू कर देता है। ये देख सूरज का देवता अपोलो बहुत खुश हो जाता है और वो हरक्युलिस को अपने रथ पर उसकी मंजिल तक पहुंचाता है और इसके बाद हरक्युलिस उस तीन सर वाले राक्षस गैरियन को मारकर उसकी गायों को पकड़ लेता है। अब हरक्युलिस के 10 लेबर पूरे हो गए थे, पर किंग यूरेटस हरक्युलिस को कहता है कि तुमने हाइड्रा ड्रैगन को मारने के लिए अपने भाई की मदद ली थी और तुमने किंग ऑगस्ट के अस्तबल को पैसे के लिए साफ किया था। इवन दो हरक्युलिस को कोई भी पैसा नहीं मिला, पर फिर भी किंग यूरेटस हरक्युलिस के 2 लेबर काट देता है और अब हरक्युलिस को 2 और लेबर करने होंगे। तो हरक्युलिस के 11वें लेबर में उसे सोने के सेब लाने भेजा गया था और वो सोने के सेब की जगह कोई नहीं जानता था सिवाय गॉड एटलस के। ग्रीक मिथोलॉजी में एटलस एक टाइटन है और ज्यूस द्वारा उसे स्वर्ग जिंदगी भर उठाने की सजा दी गई है। तो हरक्युलिस एटलस के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे सोने के सेब कहां मिलेंगे। तो एटलस उसे कहता है कि मुझे पता तो है कि सोने के सेब कहां पड़े हैं, पर मेरे बताने से तुझे समझ नहीं आएगा, तो क्यों ना तुम इस स्वर्ग को कुछ समय के लिए उठाओ और मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए उन सेबों को लेकर आता हूं। और हरक्युलिस पूरे स्वर्ग को अपने कंधों पर उठा लेता है। मीनवाइल एटलस जाता है और सेब लेकर आता है, पर अब उसकी नियत बदल जाती है और वह हरक्युलिस से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इन सेबों को किंग यूरेटस के पास ले जाऊँ। ये सुन हरक्युलिस समझ जाता है कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, पर हरक्युलिस अपना दिमाग लगाता है और एटलस से कहता है, और तुम यार कितने अच्छे हो यार, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने अच्छी तरह से इस स्वर्ग को नहीं उठाया है और मेरे कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अगर मैं ऐसे खड़ा रहा तो मैं बहुत जल्द गिर जाऊंगा, तो क्या तुम प्लीज कुछ समय के लिए इस स्वर्ग को अपने कंधों में उठा लो ताकि मैं अपनी पोजीशन को सही कर लूं। और एटलस हरक्युलिस के इस जाल में फंस जाता है और बाद में हरक्युलिस उन सेबों को उठा वहां से भाग जाता है। 12वें लेबर में हरक्युलिस को सर्बरस को पकड़ कर लाने के लिए कहा जाता है। सर्बरस अंडरवर्ल्ड में हेडिस के किले का सबसे भयंकर राक्षस होता है। तो हरक्युलिस अंडरवर्ल्ड जाता है और हेडिस से मिलता है। हेडिस उसे कहता है कि तुम सर्बरस को लेकर जा सकते हो, पर पहले तुम्हें उसे हराना होगा और उसे हराने के लिए तुम कोई हथियार भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हरक्युलिस सर्बरस को अपने हाथों से हरा देता है और उसे किंग यूरेटस के पास लेकर जाता है। बाद में किंग यूरेटस सर्बरस को देख इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वह हरक्युलिस को सर्बरस को वापस अंडरवर्ल्ड छोड़कर आने के लिए कहता है और इस तरह हरक्युलिस के 12 लेबर पूरे हो जाते हैं और हरक्युलिस की गुनाहों की सजा माफ कर दी जाती है। दोस्तों, नॉर्स मिथोलॉजी में अपोलो अपनी खूबसूरती और चमकदार रोशनी के कारण काफी मशहूर है। अपोलो ज्यूस का एक और बेटा और उसकी माँ का नाम था लीटो। अपोलो की एक बहन भी थी जिसका नाम था आर्टेमिस। अपोलो को गार्ड ऑफ म्यूजिक, गार्ड ऑफ लाइट और गार्ड ऑफ प्रोफेसी से भी माना जाता है। कहा जाता था कि अपोलो ग्रीस की दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्ड था, पर खूबसूरती के बावजूद भी अपोलो की जिंदगी में प्यार की काफी कमी थी। ज्यादातर उसकी प्रेमिकाओं की मौत हो चुकी थी और इस वीडियो में मैं अपोलो और डैफनी की लव स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। अपोलो में सर्पेंट पाइथन को मारने के बाद बहुत घमंड आ गया था। अपोलो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा तीरबाज मानने लगा और एक दिन अपोलो ओलंपस में घूम रहा था कि उसकी नजर अचानक एरोस पर पड़ती है। ग्रीस की कहानियों के अनुसार एरोस प्यार का देवता है और वो भी अपनी तीरबाजी के कारण काफी मशहूर है, पर उसके तीरों से वो किसी को भी प्यार में डाल सकता है। एरोस कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, पर फिर भी अपोलो को
एरोस से काफी जलन होती थी, इसीलिए अपोलो एरोस का मजाक उड़ाने लगा। अपोलो एरोस और उसके बच्चे जैसे शरीर का मजाक उड़ाते हुए उसको बेइज्जत करने लगा। पहले तो एरोस ने अपोलो को इग्नोर ही किया था, पर अब एरोस को काफी गुस्सा आ गया था। गुस्से में एरोस ने गार्ड अपोलो पर अपने तीर से उसके दिल पर हमला किया। इस तीर ने अपोलो को जख्मी तो नहीं किया था, पर उसके दिल में प्यार का जख्म जरूर डाल दिया था। एरोस ने अपने तीर को मारने से पहले उसमें डैफनी का नाम लिख दिया था, जिसका मतलब अपोलो को अब डैफनी से प्यार हो गया था। अपोलो उसी समय डैफनी को ढूंढने चला जाता है। डैफनी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निफ होती है, पर एरोस का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। एरोस बाद में नफरत के तीर को डैफनी के दिल में मार देता है, जिसके कारण डैफनी को अपोलो से नफरत होने लगती है। जब अपोलो डैफनी को ढूंढता है तो वो उसे छूने की कोशिश करता है, पर क्योंकि अब डैफनी को अपोलो से काफी नफरत थी, वो अपोलो को देखते उससे भागने की कोशिश करती है। अपोलो उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है, पर डैफनी अपनी शक्तियों से अपने आप को एक पेड़ में बदल देती है। डैफनी को एक पेड़ बनता देख अपोलो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, पर अपोलो डैफनी को सम्मान देने के लिए उसकी लकड़ी की मूर्ति से पत्तियों को काट कर उसका एक ताज बनाता है, और अपोलो उस ताज को अपनी सारी जिंदगी पहनता है। और उस दिन के बाद ग्रीस में किसी को भी सम्मान देने के लिए पत्तियों से बने ताज को पहनाने का रिवाज शुरू हो जाता है। पत्तियों के ताज रोमन एम्पायर में बहुत सम्मान की चीज मानी जाती थी। आर्कनी। ग्रीक मैथोलॉजी में आर्कनी को एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड दर्जी बताया गया है। आर्कनी का जन्म एक दर्जी के घर में हुआ था, और कपड़ा सिलने की कला उसने अपने पिता से सीखी। धीरे धीरे उसकी यह कला बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगी। अपनी इस पॉपुलैरिटी को देख आर्कनी का घमंड भी बहुत ही बढ़ने लगा। कहा जाता है कि आर्कनी इतनी ज्यादा घमंडी हो गई थी कि वह लोगों को कहती थी कि कोई भगवान भी उसके जैसा कपड़ा नहीं सिल सकता। अथीना आर्कनी को ये कहते सुन लेती है और फैसला करती है आर्कनी से मिलने के लिए। अथीना एक बुढ़ी औरत का भेष बदल वह आर्कनी से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ये कला तुम्हें भगवान द्वारा एक तोहफा है, और तोहफे वापस भी लिए जा सकते हैं। आर्कनी कहती है कि उसे भगवान ने ये कला नहीं दी, बल्कि उसने खुद ही ये कला खुद को सिखाई है। ये सुनकर अथीना गुस्से में आ जाती है और वो आर्कनी को अपना असली रूप दिखाती है। आर्कनी हैरान हो जाती है ये देखकर कि वो बुढ़ी औरत अथीना थी। बाद में अथीना आर्कनी को चैलेंज करती है एक कपड़ा सिलने के कॉम्पिटिशन में, जिसे आर्कनी मान लेती है। दोनों कपड़े को सिलना शुरू कर देते हैं। अथीना अपने कपड़े पर देवताओं की बहादुरी दिखाती है, जिसमें ज्यूस, अपोलो और पोसाइडन की तस्वीरें होती है, पर आर्कनी अपनी तस्वीरों में देवताओं की बुरी आदतों को दिखाती है, जैसे ज्यूस का लड़कियों को उठाना, हेडिस का परसेफनी को उठाना और पोसाइडन का मेड्यूसा से जबरदस्ती करना। भले ही आर्कनी ने देवताओं की बुरी तस्वीर बनाई थी, पर कहा जाता है कि उसकी तस्वीर अथीना से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अथीना ये देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह आर्कनी को श्राप देकर वह उसे एक मकड़े में बदल देती है। लामिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दोस्तों, ग्रीक मिथ की किताबों में लामिया की फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, तो ये कहना मुश्किल है कि लामिया एक गॉड थी या फिर एक इंसान। पर एक बात बिल्कुल सच थी कि लामिया दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लामिया ज्यूस से अपने बचपन से ही प्यार करती थी, और बाद में ज्यूस भी उससे प्यार करने लग पड़ा। ज्यूस की पत्नी हेरा को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई, और उसने गुस्से में लामिया के सारे बच्चों को मार दिया और लामिया को एक राक्षसी में बदल दिया। इतना ही नहीं, हेरा ने लामिया को श्राप दिया कि वह कभी भी आराम नहीं कर सकेगी और उसकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी, ताकि उसको अपने बच्चों को खोने का दर्द हमेशा सताता रहे। कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि हेरा ने पहले लामिया को एक राक्षसी में बदला और बाद में लामिया से ही उसके बच्चों की हत्या करवाई। उस दिन के बाद लामिया दूसरों के बच्चे और वह उन्हें बाद में मार देती। ज्यूस ने जब लामिया की ये हालत देखी तो उसने लामिया को अपनी आंखें खुद निकालने की ताकत दी, ताकि वे आराम कर सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लामिया की कहानी शायद ग्रीक मैथोलॉजी से नहीं है, और ये बस बच्चों को डराने के लिए ग्रीक के लोगों द्वारा बनाई गई कहानी थी।
फिरमस एंथिस भी। ये दोनों करेक्टर की लव स्टोरी ग्रीस मैथोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। फिरमस एंथिस भी एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे, पर उनकी फैमिली में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, जिस कारण वह एक दूसरे से बात करना बिल्कुल मना था। फिरमस और थिस्पी की पहली मुलाकात उनके बचपन में हुई थी और वह तब से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग पड़े थे, हालांकि इन्होंने एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की थी। फिरमस और थिस्पी का घर बिल्कुल एक दूसरे के पास पास ही था। एक दिन फिरमस अपने घर की दीवार में एक छेद पाता है। वो इस मौके का फायदा उठाता है और थिस्पी को पहली बार आवाज लगाता है, और आगे से थिस्पी फिरमस को आवाज लगाती है, और इसी तरह वे उस दिन के बाद उस दीवार के छेद में से फिरमस और थिस्पी बातें करना शुरू कर देते हैं। दिन महीनों में निकल जाते हैं और इनका प्यार एक दूसरे से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन फिरमस थिस्पी से कहता है कि उनकी फैमिली उनके इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगी, और अगर वह एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें इस जगह को छोड़ भाग जाना चाहिए। उसके बाद दोनों एक दूसरे को नदी किनारे मिलने का वादा करते हैं और सोचते हैं कि वहाँ वह मिलकर एक साथ इस शहर को छोड़ जाएंगे। जिस नदी किनारे उन दोनों को मिलना था, वहाँ पहले थिस्पी पहुँचती है और फिरमस का इंतजार करती है, पर वहीं पर एक शेर पानी पी रहा होता है। वह शेर उस समय शिकार करके आया होता है, जिसके कारण उसके पंजे खून से लदे होते हैं। थिस्पी जब उस शेर को देखती है तो वह घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है और छुप जाती है। इसी दौरान थिस्पी का स्कार्फ नीचे गिर जाता है। क्योंकि शेर उस समय शिकार कर आया होता है तो वह थिस्पी के पास नहीं जाता और उसके स्कार्फ के साथ खेलने लग पड़ता है, और थोड़े समय बाद वो उस स्कार्फ को वहीं छोड़ चला जाता है। उसी दौरान फिरमस भी उस नदी के किनारे आ जाता है। फिरमस जब उस स्कार्फ में लगे खून को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद किसी शेर ने थिस्पी को मार दिया है, क्योंकि उस स्कार्फ में शेर के खून के पंजे लगे हुए थे। फिरमस बहुत ही ज्यादा निराश और उदास हो जाता है, क्योंकि उस नदी किनारे मिलने का फैसला फिरमस का था। इस गम में आकर वो अपनी तलवार निकालता है और अपने दिल में घुसेड़ देता है, जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। थोड़े समय बाद जब थिस्पी वापस किनारे पर आती है तो वो देखती है कि फिरमस मरा पड़ा हुआ होता है। जब वो फिरमस के पास जाती है तो वो अपना स्कार्फ देखती है, जो फिरमस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। थिस्पी उसी समय समझ जाती है कि आखिर वहाँ क्या हुआ, और थिस्पी सोचती है कि शायद ये उसकी गलती थी, जिसके कारण वो वही तलवार उठाती है और वहीं खुद की जान दे देती है, और इसी तरह फिरमस और थिस्पी की मौत हो जाती है। जिस जगह पर उनकी मौत होती है वहाँ पर मलबरी फ्रूट का एक पेड़ लगा होता है, पर फिरमस और थिस्पी के खून के कारण उस पेड़ के फ्रूट का रंग काले से लाल हो जाता है। दोनों की मौत के बाद उनकी फैमिली फैसला करती है उन दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ करने का, और इसी तरह इस स्टोरी खत्म होती है। क्रिप्टिस पोसाइडन और गाया की बेटी थी। एक बार ज्यूस की लड़ाई पोसाइडन से हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, पोसाइडन समुद्र का राजा है। पोसाइडन ज्यूस से ज्यादा समुद्र बनाने को कहता है राज करने के लिए, पर ज्यूस ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके कारण इन दोनों में बहुत बहस होती है। पोसाइडन ज्यूस से कहता है कि तुम्हारे पास पूरा आसमान है और हेडिस के पास पूरा अंडरवर्ल्ड, तो मुझे पूरी धरती क्यों नहीं दी जा रही। ज्यूस कहता है ऐसा करने से पूरी इंसानियत और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। उसी दौरान क्रिप्टिस अपने पिता कि इस इच्छा को पूरी करने के लिए ज्यूस से छुपकर वह अपनी शक्तियों से धरती के 70% से भी ज्यादा जमीन को पानी में डुबो देती है। इस कारण धरती के बहुत सारे शहर पानी में डूब जाते हैं। ज्यूस को जब इस बात का पता चलता है, वह क्रिप्टिस को एक बहुत ही भयंकर राक्षस में बदल देता है, जो जिंदगी भर पानी को एक भंवर की तरह अपने अंदर निगलती रहेगी। ग्रीक मैथोलॉजी में क्रिप्टिस के अलावा एक और बहुत ही भयंकर समुद्री राक्षस थी, जिसका नाम था स्केला। पर स्केला पहले से एक शैतान नहीं थी, बल्कि वो मेड्यूसा की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीक मैथोलॉजी में देवताओं से ज्यादा खूबसूरत चीजों को या तो बदल कर शैतान बना दिया जाता है और या फिर उन्हें मार दिया जाता है। पोसाइडन स्केला की इस खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और इन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। पर इन दोनों का प्यार पोसाइडन की पत्नी एफ्रोडाइटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर वो पोसाइडन को कुछ नहीं कह सकती थी। इसीलिए उसने जहाँ स्केला नहाती है वहाँ पर जहर मिला दिया। जब स्केला नहाने गई तब उसके पैरों में वो जहर लग गया और वो एक बहुत ही भयंकर राक्षस में बदल गई।
क्रिप्डिस और स्केला बाद में इटली और सिसिली के रास्तों में आने वाली नहर में चले गए, जहां एक किनारे पर स्केला और दूसरे पर क्रिप्डिस थी। जब भी कोई नाविक उस रास्ते से गुजरता तो उसकी पूरी की पूरी नाव ही खत्म हो जाती इन राक्षसों के द्वारा। अगर नाविक स्केला से बचने की कोशिश करता तो क्रिप्डिस के हाथों मारा जाता, और अगर क्रिप्डिस से बचने की कोशिश करता तो स्केला के हाथों। क्रिप्डिस और स्केला को बाद में होम्स और डेसिटी और जेसन एंड द आर्गनॉट की कहानियों में भी दिखाया गया है। माइडस फ्रिजिया का राजा था, जिसे आज के जमाने में तुर्की कहा जाता है। हर राजे की तरह माइडस भी ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। इतनी सारी संपत्ति होने के बाद भी माइडस को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। माइडस सोने को बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो अपनी संपत्ति को बार बार गिनते कभी थकता भी नहीं था। एक दिन डायोनाइसिस माइडस के राजघराने से गुजरता है। डायोनाइसिस शराब का देवता है और इसमें कोई शक नहीं कि उसके शिष्य भी बहुत ज्यादा शराब पीते थे। बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण डायोनाइसिस का एक शिष्य माइडस के राजघराने में खो जाता है और डायोनाइसिस उसे ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी ओर किंग माइडस अपने बगीचे में घूमने गया होता है कि अचानक उसकी नजर एक सैटियर पर पड़ती है। दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में सैटियर एक ऐसी नस्ल है जिसकी बनावट आधे इंसान और आधे हिरन से होती है। सैटियर को देखते ही किंग माइडस समझ जाता है कि ये सैटियर डायोनाइसिस का शिष्य है। किंग माइडस उस सैथियर की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता है और किंग माइडस अपने सिपाहियों को गॉड डायोनाइसिस को ढूंढने के लिए कहता है। और 10 दिन बाद गॉड डायोनाइसिस का मेल अपने शिष्य के साथ हो जाता है। जब डायोनाइसिस को पता लगता है कि उसके शिष्य के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यवहार किया गया है, वह किंग माइडस से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे एक वरदान मांगने के लिए कहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किंग माइडस सोने से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वह डायोनाइसिस से वरदान मांगता है कि वह जिस भी चीज को छुए वह वो सोने की बन जाए। शुरुआत में डायोनाइसिस किंग माइडस की इस इच्छा को पूरी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई वरदान नहीं शराब है और वह किंग माइडस को ऐसा शराब नहीं देना चाहते थे। पर किंग माइडस के बार बार कहने के कारण वह उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अगली सुबह जब किंग माइडस उठता है तो वो देखता है कि उसने जिस कंबल को ओढ़ा था वह सोने का बन चुका है। ये देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिस इच्छा को उसने मांगा था वह पूरी हो चुकी है। किंग माइडस पागलों की तरह अपने कमरे में हर किसी चीज को छूने लग पड़ता है, जिससे उसका कवरा का पूरा कमरा सोने का बन जाता है। पर किंग माइडस का दिल फिर भी नहीं भरता और वह अपने पूरे के पूरे किले को सोने का बना देता है। थका हारा किंग माइडस अपने घर वापस आता है और पानी पीना शुरू करता है, पर जैसे ही वो अपने पानी के गिलास को उठाता है वह गिलास सोने का भर जाता है। फिर किंग माइडस जाता है और एक सेब को उठाता है, पर इससे पहले कि सेब उसके होंठों तक पहुंचे वो पहले ही सोने का बन जाता है। और इसी तरह किंग माइनस कुछ भी नहीं खा पाता और वह पूरे दिन भूखा ही रहता है। और अब किंग माइनस को एहसास होने लग पड़ता है कि जिसे वह बहुत ही ज्यादा बड़ा वरदान मान रहा था, अब वो एक बहुत ही बड़ा शराब बन चुका है। इसी दौरान किंग माइनस की एक छोटी बेटी भागते भागते उसके कमरे में जाती है और किंग माइनस को अपने गले लगा लेती है। और थोड़े समय बाद किंग माइनस रोने लग पड़ता है, क्योंकि उसकी बेटी अब पूरी तरह सोने का पुतला बन चुकी होती है। और फिर बाद में किंग माइनस रोते रोते डायोनाइसिस को गुहार लगाता है और उसे कहता है कि इस शराब को उससे आजाद करवा दो। डायोनाइसिस किंग माइडस को कहते हैं कि वो फैक्टलस की रिवर में जाए। डायोनाइसिस कहते हैं कि उस रिवर में तुम कुछ जो कुछ भी डालोगे वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। उस रिवर के पास जाकर किंग माइडस अपने हाथ धोता है और उसकी सारी शक्तियां चली जाती हैं। किंग माइडस जब अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि जो भी चीजें उसने सोने की बनाई थी अब वो वापस नॉर्मल हो चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ा सबक था किंग माइडस के लिए। वो अपना राजपाट अपनी बेटी के नाम करके बाद में खुद जंगलों में रहने चला जाता है, जहां पर वो देवता पैन की साधना करता है और अपना बाकी का जीवन सिंपल जिंदगी व्यतीत करता है। किंग माइडस की ये कहानी एक बहुत ही बड़ा सबक है कि कुछ भी मांगने से पहले हमें हजार बार सोचना चाहिए। कभी कभी जो चीज हमें शुरुआत में वरदान लगती है वो बाद में एक बहुत ही बड़ा शराब भी बन सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना।